पंडित श्री राम शर्मा आचार्य भारत के एक युग दृष्टा मनीषी थे, जिन्होंने अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना की। उन्होंने अपना जीवन समाज की भलाई तथा सांस्कृतिक व चारित्रिक उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने आधुनिक व प्राचीन विज्ञान व धर्म का समन्वय करके आध्यात्मिक नव चेतना को जगाने का कार्य किया, ताकि वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना किया जा सके। उनका व्यक्तित्व एक साधु पुरुष, आध्यात्म विज्ञानी, योगी, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, लेखक, सुधारक, मनीषी व दृष्टा का समन्वित रूप था। आचार्य जी ने विशाल वांग्मय का सृजन किया है। उनके अनुयायियों ने उनके सुविचारों का संचयन किया है। यहाँ इस वीडियो में उनके कतिपय सुविचारों को प्रस्तुत किया जा रहा है। कृपया अंत तक ध्यान से सुने। जिसने अंतःकरण की शरण ले ली, उसे कोई भी बयान प्रभावित नहीं कर पाता। हमारा कर्तव्य है कि निरुद्देश्य दिन पूरे न करते रहकर जीवन का कोई निश्चित लक्ष्य निर्धारित करें। आदर्शों ने सदैव जीवन में उतारने के बाद फायदा ही पहुंचाया है, नुकसान किसी का नहीं किया। दूसरों के साथ वह व्यवहार न करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं। शालीनता बिना मोल मिलती है, परंतु उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। भाग्य को मनुष्य स्वयं बनाता है, ईश्वर नहीं। ईश्वर विश्वास का अर्थ है उत्कृष्टता के प्रति असीम श्रद्धा रखने वाला साहस। यदि भवसागर से पार होने की इच्छा है, तो सर्वप्रथम ज्ञान संचय करने का प्रयत्न करो। जैसे आप हैं, वैसे ही आपका संसार है। व्यायाम वह सुखद श्रम है जिससे संगठन, एकता, अनुशासन एवं ब्रह्म वर्चस्व की भावनाएं जागृत होती हैं। सारी दुनिया का ज्ञान प्राप्त करके भी जो स्वयं को नहीं जानता, उसका सारा ज्ञान ही निरर्थक है। शिक्षा वह है जो हाथों को आजीविका उपार्जन सिखाए और मानवीय दायित्व का निर्वाह सिखाए। जो शिक्षा पेट के लिए पराधीनता सिखाए और मन पर विलासिता का आवरण ओढ़ाए, वह किस काम की। मनुष्य एक अनगढ़ पत्थर है, जिसे शिक्षा की छैनी एवं हथौड़ी से सुंदर आकृति प्रदान की जाती है। जो शिक्षा मनुष्य को धूर्त, परावलंबी और अहंकारी बनाती हो, वह अशिक्षा से भी बुरी है। जिस शिक्षा में समाज और राष्ट्र के हित चिंता के तत्व नहीं हैं, वह कभी सच्ची शिक्षा नहीं कही जा सकती। हमारी शिक्षा तब तक अपूर्ण रहेगी जब तक उसमें धार्मिक विचारों का समावेश नहीं किया जाएगा। वास्तविक शिक्षा वह है जो अपने को सुधारना और दूसरों को संभालना सिखाए। परोपकार करना, दूसरों की सेवा करना और उसमें जरा भी अहंकार न करना, यही सच्ची शिक्षा है। मौखिक एवं लिखित शिक्षा की अपेक्षा व्यावहारिक और सदाचरण रूपी शिक्षा का प्रभाव अधिक पड़ता है। जीवन एक पाठशाला है, जिसमें अनुभवों के आधार पर हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। धर्म अर्थात कर्तव्य, फर्ज, ड्यूटी, जिम्मेदारी और ईमानदारी का समुच्चय। व्यक्तित्व मान्यताओं, आदतों और इच्छा का समुच्चय मात्र है, वह इन्हीं तीनों के सहारे गढ़ा गया है। किसी को आत्मविश्वास जगाने वाला प्रोत्साहन देना ही सर्वोत्तम उपहार है। दुनिया में आलस्य का पोषण देने जैसा दूसरा भयंकर पाप नहीं है। सज्जनता
ऐसी विधा है जो वचन से तो कम किंतु व्यवहार से अधिक परखी जाती है। अच्छाइयों का एक एक तिनका चुनकर जीवन रूपी भवन का निर्माण होता है, पर बुराई का एक हल्का झोंका ही उसे मिटा डालने के लिए पर्याप्त होता है। परमात्मा की सृष्टि का हर व्यक्ति समान है, चाहे उसका रंग, वर्ण, कुल और गोत्र कुछ भी क्यों न हो। मनुष्य जन्म सरल है, पर मनुष्यता कठिन प्रयत्न करके कमानी पड़ती है। साधना का अर्थ है कठिनाइयों से संघर्ष करते हुए भी सत्प्रयास जारी रखना। सज्जनों की कोई भी साधना कठिनाइयों में से होकर निकलने पर ही पूर्ण होती है। कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दबाइए बेल आइकॉन यानी घंटे के निशान पर टैप कीजिए ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। धन्यवाद।